महाराष्ट्र के अकोला जिले में स्क्रैप व्यापारियों अरुण बोरा के अपहरण कांड के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बीते 13 मई को जिन कंपाउंड में रात के समय अरुण बोरा स्क्रैप व्यापारी को अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया था, वह इस मामले में पुलिस ने जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी थी। इसी बीच पुलिस के डर की वजह से अपहरणकर्ताओं ने 16 मई को व्यापारी अरुण बोरा को छोड़ दिया। इसी क्रम में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुबह 5 बजे के करीब 5 आरोपियों को हिरासत में लिया, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार है। आरोपियों के कब्जे से 2 देसी पिस्तौल, 1 फोर व्हीलर कार और मोटरसाइकिल जब्त की गई है। अकोला से संवाददाता शाहिद इकबाल की रिपोर्ट। मई की रात को बिजनेसमैन श्री अरुण बोरा, उनका किडनैपिंग का मामला हुआ था। उसमें पीएस रामदास पेट में 323 बादली के अनुसंगा में गुना दाखिल हुआ और इसके आगे की तपास में LDPO सिटी, PILCB, PI रामदास पेट सबकी अलग अलग टीमों ने काम करते हुए तपास शुरू किया। कल रात को जो बिजनेसमैन सुख स्वरूप घर वापस आ गए हैं ऐसी माहिती मिली एंड उसको जब बैक ट्रैक तपास किया गया तो जिस ऑटो में वापस आए थे उसको फॉलो किया गया। लोकल क्राइम ब्रांच की तरफ से आगे की तपास पूरे रात करी गई, उसमें 5 आरोपी उनको अरेस्ट किया गया है। जो गुने में गाड़ी यूज़ की गई थी वो रिकवर करी गई है। इसके अलावा 2 देसी कट्टे ये भी सीज करे गए हैं। आगे की तपास शुरू है।